हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पाई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, ये होची क्लास नंबर 7। एथिरे आज आम डिस्कशन करिबा 17 एंड 18 जुलाई रो डेली करंट अफेयर्स, ता सहित आम देखने किसी स्ट्रेटिक जिके बा ट्रेडिशनल जिके, ता सहित किसी हिस्ट्री क्वेश्चन मध्य वीडियो रे डिस्कशन करिबा। टोटल 35 क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने चाहिए आउट ऑफ 35 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाई पारिबे। तो एई वीडियो टी आरआई एसआई एआरआई कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो एथिरे 35 क्वेश्चन रहिछि, जदि आपन जानिछन्ती ताले कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे जे आउट ऑफ 35 केते मार्क रखिछंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन माने पाई, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पालेकु पट्टाभिषेकम। तो पालेकु पट्टाभिषेकम पट्टाभिषेकम नाम गोटे पुस्तक लिखा जा रिसेंटली रिलीज करिए रिलीज करमर वाइस प्रेसिडेंट एम भेंकैया नायडू को द्वारा पालेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक को रिलीज करागला। किंतु तार लेखक किए से पचार चार ऑप्शन रही, अब्दुल समाद, आचार्य प्रसन्न, रामचंद्र जांग्रा, यालामंचिली शिवाजी। तो किए लिखिंट तार करेक्ट आंसर हो करेक्ट आंसर हो किए यालामंचिली शिवाजी। यालामंचिली शिवाजी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मांडुआ डीह रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज व्हिच रेलवे स्टेशन। तो मांडुआ डीह रेलवे स्टेशन रो नाम को चेंज करिकी परिवर्तन करिकी क्यों नाम रखागला, बनारस, अयोध्या, रामगढ़, मैथिली। तो करेक्ट आंसर हूँ ये ऑप्शन नंबर ए बनारस। बनारस रेलवे स्टेशन नाम रखा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रो सेकेंड एडिशन को द्वितीय संस्करण को क्यों राज्य आयोजित करिबो, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किए लिखिंट, विनोद बंसल, विमल जालान, हिमंत शर्मा, शक्तिकांत दास। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी विमल जालान। विमल जालान जेकि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई रो पूर्वतन गवर्नर विमल जालान रिसेंटली गोटे पुस्तक लिखिंट द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। सीरिया रो वर्तमान नुआ प्रेसिडेंट निजुक्ति हेले, तो किए निजुक्ति हेले से पचारिछि, अबी अहमद बा नाडा, माइकल आउन, बशर अल असद। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी बशर अल असद। बशर अल असद वर्तमान न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द आशा बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आशा बोनालू नाम गोटे फेस्टिवल क्यों राज्य रे पालन करागला, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फेड विथ मोहन बागान रत्न अवार्ड पोस्थमसली। पोस्थमसली माने मरणोपरांत बा मृत्यु परे, रिसेंटली मृत्यु परे कहा कु मोहन बागान रत्न पुरस्कार रे सम्मानित करा जीवो, प्रीतम कोटल, शिवाजी बनर्जी, रेनेडी सिंह, प्रणय हालदार। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी शिवाजी बनर्जी। शिवाजी बनर्जी को तांकर मृत्यु परे तांकु मोहन बागान रत्न पुरस्कार रे सम्मानित करा जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश सिद्दीकी ए फोटो जर्नालिस्ट हु पास्ड अवे हैड ओन विच फॉलोइंग प्राइज। तो रिसेंटली जने फोटो जर्नालिस्ट दानिश सिद्दीकी को मृत्यु होई, से रिसेंटली अफगानिस्तान रे तालिबान एवं अफगानी सिक्योरिटी मध्य जो फायर होता से फोटो कवर करते से जो फोटो कवर करते से समय मोर्टार लगी कार को, तो सीट से मृत्युवरण कर तो से कौ पुरस्कार पाई से पचार से कौ पुरस्कार पाई एबल प्राइज, रामन मैक्सेस, पीबॉडी ना पुलिटजर। तो ये करेक्ट आंसर हो पुलिटजर प्राइज पाई पुलिटजर प्राइज से पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द कंपोजर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स चीयर संग हिंदुस्तानी वे। तो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक आप कंडक्ट हो समेत जानते आज तो 20 तारीख हो गला 23 जुलाई रे माने आपर पर दिन को 23 जुलाई रे टोक्यो ओलंपिक्स आरंभ हो जा तो से इंडियन जो आथलेटिक्स मैंने भाग नौ से गियरअप कर गियरअप मैंने मनोबल दृढ़ करने गोटे चेयर संग बनई से चेयर संग ना हूँ हिंदुस्तानी वे। तो से जो चेयर संग को किए कंपोज कर तार कंपोजर किए जाकिर हुसैन ए आर रहमान शोभा शेखर शंकर महादेवन। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ए आर रहमान हूँ तार कंपोजर आ गई सहित अर्मा अनन्या बिरला तार सिंगर अच्छा अनन्या बिरला आउ ए आर रहमान ये दुज मिसिकी गई आ कंपोज कर ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिस गेल बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मेनी 1000 रन्स इन T20 क्रिकेट। कौन कहते ना T20 फॉर्मेट्रे के स्कोर करी आमर जो क्रिस गेल प्रथम बा नंबर वन बैट्समैन बनी 10,000 देखो 10,000 ना 12 ना 14 ना 16 से पचार। तो देखो क्रिस गेल T20 फॉर्मेट्रे 14,000 रन संग्रह करी से वर्ल्ड रे नंबर वन बैट्समैन बनी क्रिस गेल वेस्ट इंडीज रु बिलंग करछंती वेस्ट इंडीज रो प्लेयर समस्ते जानिथिबे जो मान क्रिकेट देखुछंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी विल बिगिन सर्विस फ्रॉम व्हिच सिटी ऑफ द कंट्री। तो आम देश रे भारतर प्रथम पोर्ट टैक्सी सेवा केऊ शहर रे आरंभ हेबाकु जाउछि नोएडा पुणे जयपुर अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर होची नोएडा ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टीम विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द एएफसी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2021। कौन कहना एएफसी वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2021 आयोजित होगा जाती इंडिया तरफ क्यों टीम रिप्रेजेंट कर पंजाब एफसी चेन्नई सिटी एफसी बेंगलुरु एफसी ना गोकुलम केरला एफसी। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी गोकुलम केरला एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच स्टेट लॉन्च्ड किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो क्यों राज्य किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च करी पंजाब गुजरात राजस्थान हिमाचल प्रदेश। तो ये करेक्ट आंसर होची राजस्थान सरकार रिसेंटली किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च कर कौन हम ना प्रति मास एथिरे 1000 टंका लेखाए से अकाउंट को पठाइबे पैसा पठाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस केबे पालन करागला जुलाई 1917, 1918 ना 1916। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन टू बी ग्रांटेड द यूएई गोल्डन भिसा। तो यूएई रो गोल्डन भिसा पाई तृतीय भारतीय किए हेले एमएस धोनी विराट कोहली सानिया मिर्जा विश्वनाथन आनंद। ये करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा। तो देखो यूएई रो गोल्डन भिसा मैंने से कार जो भिसा रही 10 वर्षर से गोल्डन भिसा मैंने 10 वर्षर भैलीड रहे। तो से भिसा प्रथम किए पाई प्रथम पाई संजय दत्त पाई प्रथम इंडियन सेकेंड हूँ शाहरुख खान थर्ड हूँ सानिया मिर्जा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंसड द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करिया किए घोषणा करी क्यों राज्य सरकार घोषणा करी राजस्थान हरियाणा पंजाब गुजरात। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्तमान आम देखने किसी स्टेटिक जीके आमर स्पोर्ट्स जीके देखने द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ। तो डॉल्फिन किक शब्दटा आम क्यों खेल यूज करूँ बैडमिंटन स्क्वाश स्विमिंग गल्फ। तो ये करेक्ट आंसर हो स्विमिंग रे यूज करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स
ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଫେନ୍ସର୍ରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେନ୍ସର୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି କବିତା ଦେବୀ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଡାଇନା ଦେବୀ କୌଶିକ ବେଦିକା ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭବାନୀ ଦେବୀ ଭବାନୀ ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫେନ୍ସର୍ ଯିଏକି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ହୁ ହେଜ୍ ସ୍କୋର 10,000 ରନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ 10,000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ କିଏ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ କିଏ ତ ଏଇଠି ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ମିତାଲି ରାଜ ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଲିସ୍ ପେରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 10,000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ ବନିଛନ୍ତି ଚାର୍ଲୋଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ପଚାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମିତାଲି ରାଜ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆର ମିତାଲି ରାଜ 10,000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ତ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ପିଟି ଉଷା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ଆରତୀ ଶାହା କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଫେମସ୍ ସିକେ ନାଇଡ଼ୁ ଟ୍ରଫି ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ତ ସିକେ ନାଇଡ଼ୁ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଜିକେ ତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଦେଇଛି ହକି ଦେଇଛି ଲନ୍ ଟେନିସ୍ ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 କ୍ରିକେଟ୍ ସିକେ ନାଇଡ଼ୁ ଟ୍ରଫିଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଓନ୍ ବିବିସି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ 2021 2020ର ବିବିସି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର ବିଜେତା କିଏ ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ୍ ମାଇକେଲ ସୁମାଚର ଜୋର୍ଡାନ୍ ହେଣ୍ଡରସନ୍ ହଲି ଡୋଏଲ୍ ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି 1982 1986 1972 1990 ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1982 ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଚେନ୍ନାଇ କଟକ ବେଙ୍ଗଲୋର କୋଇଲନ୍ ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି କଟକ ଓଡ଼ିଶାର କଟକଠାରେ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯାହାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟ ଅଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ କୋଲକାତା ବିଶାଖାପାଟନା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର୍ସ ଅରିଜିନେଟ୍ ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ପେନାର କାବେରୀ କ୍ରିଷ୍ଟା ତାପ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାବେରୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟ୍ ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲେସେସ୍ ଡୁ ଦ ରିଭର୍ସ ଅଲକାନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଭାଗିରଥୀ ମର୍ଜ ଟୁ ଫର୍ମ ଗଙ୍ଗା ତ କ'ଣ କହିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଭାଗିରଥୀ ଏ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେବପ୍ରୟାଗ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରୟାଗ ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେବପ୍ରୟାଗଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଭାଗିରଥୀ ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଳନ ଘଟିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଜ୍ ଇଟ୍ସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ରହିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ରହିଛି ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ବାଲି ହାଗ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ୱାଶିଂଟନ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଫେସର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଦ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ୍ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଲିଟରେଚର
इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्षेत्र में अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक को किए लिखिंट विक्रम सेठ, अनिता देसाई, काव्या विश्वनाथन, अरुंधति राय। तो ये करेक्ट आंसर हो अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो कौ राज्य मधुबनी पेंटिंग फेमस अटे से पचार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये करेक्ट आंसर हो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। तो तानसेन जड़े ग्रेट म्यूजिशियन थे बहुत बड़ संगीतज्ञ थे तो से कहा समय कहा कोर्ट्रे थे क्या दरबार से जड़े म्यूजिशियन थे अकबर, शाहजहान, बहादुर शाह, जहांगीर। तो ये करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पुना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो 1932 मसीह पुना पैक्ट एग्रीमेंट होता तो सेटा कहा कहा मध्यरे होता नेहरू आंबेडकर, गांधी आंबेडकर, मालवीय आंबेडकर, गांधी नेहरू। तो ये करेक्ट आंसर होची महात्मा गांधी एंड बी आर आंबेडकर मध्यरे अमर पुना पैक्ट एग्रीमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट किए होइथिले सर उमेश चंद्र बनर्जी, आनी बेसंत, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूले। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सर उमेश चंद्र बनर्जी जहाँ आम शॉर्टकट रे डब्ल्यूसी बनर्जी कही था। तो ऑप्शन नंबर ए होची सर उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन रही हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक को किए लिखिंट बा तार रचयिता किए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अशोक सेन, एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम जे कि पूर्वतन राष्ट्रपति। तो एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक को लिखिंट। तो फ्रेंड्स ये आज टॉप 35 सिलेक्टेड जीके क्वेश्चन। तो आपण मैंने आउट ऑफ 35 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनइबे। जदि भिडियो भल लगुता है हृदय गोटे गोटे लाइक निहाती भावे करिवे एवं अधिकरु अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानकु शेयर करिवे। तो फ्रेंड जय हिंद, जय जगन्नाथ।